Let's discuss the question paper firstly. So for the set A, पहला क्वेश्चन था आपका देयर वर थ्री बीकर्स एंड दे वर लेबल्ड एज ए बी एंड सी और उसमें 25 ml वाटर था. एक में आपने NaOH ऐड किया है, दूसरे में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड किया है और थर्ड में NaCl ऐड किया, ठीक है. एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन. ए और बी का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया और सी का टेम्परेचर जो था वो फॉल हो गया. तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं. इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, इन बीकर्स ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, सी में एक्सोथर्मिक हुआ है या सी में एंडोथर्मिक हुआ है. अब आपको पता होना चाहिए एक्सो का मतलब क्या है, देयर इज लिबरेशन ऑफ हीट, ठीक है. अब इसमें उन्होंने कह दिया है कि देयर इज टेम्परेचर इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये क्या है, एक्सोथर्मिक है. और इसका टेम्परेचर कम हुआ है तो ये प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक है. तो करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके 1 and 4, ठीक है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए बी का एक्सो है और सी का एंडोथर्मिक. Then you have to match the column 1 with the column 2. Okay? Heating of lead nitrate. क्या कलर होता है लेड नाइट्रेट का हीट करने पे? जब आप हीट करोगे लेड नाइट्रेट को क्या क्या निकलेगा? PbNO3. PbNO3 twice को जब आप हीट करोगे what you will get? क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे बेटा? PbO. NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कौन सा कलर होता है गैस का? दैट इज ब्राउन इन कलर, ठीक है. ब्राउन कलर की गैस जो है वो इवॉल्व होगी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्राउन कलर गैस डी. रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड आयरन सल्फेट. इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? नो. तो आयरन सल्फेट का वैसे कौन सा कलर होता है? लाइट ग्रीन. तो ये कलर सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी. लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड यू विल बी गेटिंग द प्रेसिपिटेट्स ऑफ PbI2 एंड दैट इज येलो इन कलर, ठीक है. येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आएंगे यहाँ. रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फ्यूरिक एसिड Fe+H2SO4 दैट गिव्स Fe+SO4 एंड हाइड्रोजन गैस दैट विल गिव यू अ हिसिंग साउंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है जी. सो फर्स्ट और थर्ड दोनों का आंसर था सी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. वेरी वेरी इजी, बहुत इजी था ये तो, बैलेंसिंग थी सिंपल, ठीक है. है विच ऑप्शन? सी ऑप्शन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इन द रिएक्शन नेक्स्ट भी बहुत इजी है. क्लियर कट आपको पता चल रहा है, पता नहीं फिर भी क्यों गलत करके जाते हो. यहां से ऑक्सीजन, हाँ जी देखिए इधर क्या हो रहा है, एनी प्रॉब्लम? सेट, अभी मैं सेट ए ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है. देखिए यहां से ऑक्सीजन, राघव गो बैक टू सीट. यहां से जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गई. देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद द कार्बन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. अब आपसे पूछा है इन द रिएक्शन पीबीओ इज ऑक्सीडाइज्ड,
कार्बन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो एजेंट कौन सा है? रिड्यूस। सिंपल था बिल्कुल। सिक्सटींथ, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। एक एलिमेंट है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्यूशन बना रहा है और वो सॉल्यूशन फिनोफ्थलीन के साथ पिंक चेंज हो रहा है, यानी कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक बन रहा होगा फिर वाटर के साथ डिजोल्व होने के बाद। अब इसमें से आपने बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। सल्फर, कैल्शियम, कार्बन, सिल्वर। सल्फर कार्बन के ऑक्साइड जो है वो बेसिक बनेंगे, सिल्वर का ऑक्साइड भी जो है बेसिक सॉरी एसिडिक बनेंगे, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विद कैल्शियम ओनली। सो 16th का आंसर है बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जय माता दी, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट। अब इसमें क्या किया होगा आपने? यस भूमिका मैम, आप सेटे डिस्कस कर रहे हो ना? हाँ जी बेटा, अभी सिर्फ सेटे डिस्कस हो रहा है। उसके बाद मैम, बट सेटे वाले ये क्वेश्चन नहीं है, सेटे के मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। सेट ए के ही है बेटा ये सारे, आपके पास सेट बी होगा। यस श्योर। चलो यू कैन रो योर हैंड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट। हां जी, इसमें क्या किया होगा आपने? इसमें क्या किया था? आपने भी ऐसे किया? क्या फिर तो मैं तेरे को नेगेटिव में मार्किंग दे देती। मैंने दे देनी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट, इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है? अब ये बताओ पहले मुझे। पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बना है, इसका हम एसिड और बेस दोनों देखेंगे। बेस हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिड हो सकता है H2SO, अगेन बेस हो सकता है OH, एसिड हो सकता है HCl, बेस हो सकता है NaOH, एसिड हो सकता है HCl, बेस हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिड हो सकता है, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग है तो पीएच जो है वो न्यूट्रल होगी। ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसमें से ये क्या है, ये क्या है? तो जो स्ट्रॉन्ग है वो अपना इफेक्ट डोमिनेट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, तो इसलिए ये क्या होगा? अब बताओ क्या किया आपने? शायद यही किया। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? ओके, 26 क्वेश्चन, वी आर लेफ्ट विद 26। तो 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली सी इज द करेक्ट आंसर, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। 28, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम किसके कितने का था? यहाँ पर आपकी जो वेटेज है वो हम 12.8 के हिसाब से देखेंगे। केमिस्ट्री मतलब आपको 12.8 की है, बायो आपकी 12 की है, और बाकी जो बचा है वो आपका फिजिक्स पार्ट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर?
It does not react with water. It reacts violently with water. It reacts less violently with water. ठीक है, कैल्शियम जो है वो लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा. और कैल्शियम और मैग्नीशियम में हमें ये पता है कि ये जो है वो बबल्स के साथ स्टिक भी कर जाएंगे. ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो बनता है वो डी है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एनी प्रॉब्लम? चलिए उसके बाद असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं आपके. 31st. Exposure of silver chloride to sunlight for long duration turns grey due to formation of silver on decomposition. ठीक है ये assertion? Yes. Assertion ठीक है, बिल्कुल ठीक है. In this process, sublimation of silver chloride takes place. Sublimation नहीं होती है, that is a type of decomposition reaction. ठीक है, तो that is 11 की जगह. 31st का कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी. सी के अकॉर्डिंग क्या है? असर्शन ट्रू है, बट रीजन जो है वो क्या है? फॉल्स. 33rd, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डोंट शो एसिडिक कैरेक्टर. इज इट राइट और नॉट? राइट. ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डोंट गिव एच पॉजिटिव आयन. ये भी ठीक है कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि वो एच पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं. तो दे बोथ आर करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे दी है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इज दिस ट्रू? यस, दिस इज ट्रू. एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम. ये भी ट्रू है, बट क्या एक्सप्लेनेशन करेक्ट है? नहीं, क्योंकि पहले में वो एम्फोटेरिक कह रहा है, दूसरे में वो एनोडाइजिंग करी जा रहा है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी. दोनों ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. डर लो अभी जितना डरना है आपने. पेपर जब दिखाएंगे ना आपको, फिर देखना. ओके, नेक्स्ट इज 36. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन. सिंपल रिएक्शन दी गई थी आपको ब्लीचिंग पाउडर की. सिंपल ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन लिखी हुई है. अब जिनका ये भी गलत है, उनका कुछ नहीं हो सकता. बेटा ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? टेक्सटाइल, पेपर, जूट इंडस्ट्री में, डिसइंफेक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल ऑफ द अबव. जहां पर ऑल ऑफ द अबव होता है, मोस्टली वही आंसर होता है. ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट इज अनस्टेबल, गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमोस्फेयर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड स्लेक लाइम, इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ क्लोरीन. इट गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर में एक्सपोज करोगे तो उसने क्लोरीन दे ही देनी है, लिबरेट कर देनी है. नहीं करेगा तो एटमोस्फेयर में उसको एक्सपोज करोगे, वो भी हो जाएगी रिएक्शन. 40th का ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन ही वही है तो ऑल ऑफ दीज है. हाँ जी, कितने बन गए अब जिनका सेट ए था? सेट ए वालों के कितने बन गए हैं मार्क्स? चलना
चलो ना फिर वो सेट बी, चलिए सेट बी डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पेन्ड बाय लिबरेशन ऑफ हीट। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर देयर अबाउट द स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म। तो वही जो ऐसे पहला क्वेश्चन था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। उन्होंने सेकेंड लाइन में मेंशन भी किया है लिबरेशन ऑफ हीट। दे हैव मेंशन्ड द लाइन लिबरेशन ऑफ हीट। और पीएच बतानी है आपने, 7 से कम होगी 7 से ज्यादा। हाँ जी, पहले तो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है और जब भी स्लेक लाइन बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? बेसिक होगा। पीएच जो है वो कैसी होगी? 7 से ज्यादा होगी, ठीक है। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड का। अगेन आपने मैच करना है सिल्वर सल्फाइड H2S, नॉट सॉरी H2S नहीं Ag2S, सिल्वर सल्फाइड क्या कलर होगा? सिल्वर का, सिल्वर का कलर कौन सा होता है? ब्लैक और ग्रे कोटिंग आएगी सिल्वर ऑक्साइड की। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, वेरी गुड। आयरन का रेडिश ब्राउन आएगा आयरन ऑक्साइड का। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और नाइट्रोजन गैस, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए आप यूज करोगे। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कोटिंग, ठीक है, ये आप उसमें भी पढ़ के आते हो, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जो कॉपर के जार्स हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों आती है, दैट इज ड्यू टू द कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो आपने दोनों बतानी थी, इसमें ऑक्सीडाइज पहले बतानी है, रिड्यूस्ड बाद में बतानी है। ऑक्सीडाइज किसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है? हाइड्रोजन में, ठीक है, और किससे रिमूव हुई है? कॉपर ऑक्साइड से। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ऑक्सीडाइज हुआ है हाइड्रोजन और रिड्यूस्ड हुआ, टेंथ रह गया। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इसमें से बताना है। हाँ जी, सॉरी करेक्शन तो कोई नहीं हुई, आई गेस हुई है। क्या करेक्शन हुई है मुझे बताओ, क्योंकि मैंने भी नहीं नोट किया। चलिए इसका करेक्ट आंसर बनता है सी। 16th का, सॉरी 12th का करेक्ट आंसर बनता है बी। बी अभी हमने डिस्कस किया। 16, एक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि ये बेस है, एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद जिंक, सॉरी एसिड है, रेड लिटमस ब्लू किया नहीं, बेस 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 बेस। इट इज प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलिस ऑफ NaCl। वॉट इज X? बेस है, तो इसमें से बेस ढूंढो कौन सा है, NaOH, ठीक है, C is the correct answer. Which of the following salt when dissolved in distilled water will give pH less than 7? किसकी pH जो है वो 7 से कम आएगी, यानी कि acidic वाला salt होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले वाला करवाया, सेम उस अकॉर्डिंग बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शंस लिखने लगी हूँ, Na2SO4, NH4 twice SO4, CH3COONa एंड NaCl। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, NH4 twice SO4। तो जैसे हमने पिछला किया था, इसका भी सेम रीजन से हमने आंसर दिया, लेस देन 7 है, तो हमने मेन
जो है सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्ट टूटना है, इसमें ये जो था वो बिल्कुल बेस था, तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, द एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वॉटर। कौन सा एलिमेंट हो सकता है ये? कैल्शियम, सिलिकॉन, सोडियम, कार्बन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड बना रहा है, कैल्शियम एंड सोडियम। कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकॉन नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, क्योंकि वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हमने मेटल्स लेने हैं। आपको इसी लाइन से पता चल जाना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड दे रहा है तो आयनिक कंपाउंड है ये, तो आयनिक कंपाउंड इसमें से कैल्शियम और सोडियम बनाएंगे, ना कि सिलिकॉन एंड कार्बन। सो हाँ जी, सोडियम एंड कैल्शियम दोनों क्यों आयनिक कंपाउंड नहीं है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दे आर दी आयनिक कंपाउंड। क्या हुआ राघव, पहले ये बताओ ठीक है कि नहीं? चलिए बेटा नेक्स्ट 28th क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ गिवन रिएक्शंस यू हैव टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने आपको एक करवाया था, याद है आपको? अब देखो फर्स्ट वाली रिएक्शन में दोनों में जो एक्स है वो वाई को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, तो यानी कि एक्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू वाई। बट थर्ड रिएक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर जेड जो है वो एक्स को रिप्लेस कर गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो जेड है, तो मोस्ट रिएक्टिव इज जेड एंड लीस्ट रिएक्टिव इज वाई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद बेटा 31st, हाँ जी, क्या आंसर है इसका? assertion reason का, lead nitrate on thermal decomposition आपको lead oxide brown color gas और oxygen gas दे रहा है, this is true। और lead nitrate जो है वो potassium iodide के साथ react करके yellow precipitates बना रहा है, और double displacement reaction है ये। हाँ जी, दोनों correct हैं, but explanation is not the correct। राघव, राघव, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन, Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन ऑफ इन द आयनिक कंपाउंड्स। केस स्टडी के क्वेश्चंस, व्हाट इज कंपाउंड एक्स? पहली लाइन में उन्होंने कह दिया है कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम फॉर्म्स व्हाइट पाउडर एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सो दैट इज ए, NaHCO3। फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया आपको। कंपाउंड वाई इज, अब वो कह रहे हैं कि जब आप इसको हीट करते हो बेकिंग सोडा को, तो ये कंपाउंड वाई दे रहा है आपको। हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा इट विल गिव यू एनहाइड्रस सॉल्ट, दैट विल बी सोडियम कार्बोनेट। ये इसकी प्रॉपर्टीज में से हैं क्वेश्चंस। What is the nature of solution formed by dissolving by sodium carbonate is basic, ठीक है, तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो alkaline solution बनेगा। A, 39th का Z identify करना है, Z, when dissolved in water it forms a strong base and weak acid, carbon dioxide, NaOH, carbonic acid and water, इसमें से weak acid कौन सा है? कार्बोनिक एसिड, सिंपल था, पता ही चल रहा है।
चाहे आप वो पढ़ो भी ना। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक कंपाउंड। बेसिक कंपाउंड क्यों है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी ऊपर आपको बता दिया हुआ पहले ही।